नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ अंशुल आनंद। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर के साथ। बीजेपी आरएलडी गठबंधन की खबरों पर अखिलेश यादव का बयान आया कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत चौधरी पढ़े लिखे और समझदार है, वो किसानों की लड़ाई कमजोर नहीं होने देंगे। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और मेरी आईडिया पीछे कर जो संघर्ष चल रहा है कौन हो रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। तो वहीं आरएलडी के एनडीए में जाने के कयासों पर डिंपल का भी दावा है, जयंत किसानों को नुकसान वाला कदम नहीं उठाएंगे। बीजेपी में आरएलडी को 4 सीट का ऑफर दिया गया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आप लोग क्या संपर्क में हैं उनके पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक तौर पर? अकाउंट फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट भी राजशेखर जी के और जयंत चौधरी जी के आया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह तालमेल बैठा हुआ था उस तालमेल बिगड़ा है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और तो बीजेपी आरएलडी गठबंधन की खबरों पर बोले शिवपाल, जयंत कहीं नहीं जाएंगे, ये बस भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला रही है। जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, बीजेपी के लोग भ्रम फैला रहे हैं। तो 22 तारीख को तो निमंत्रण अजय जी को ही नहीं मिला, हम लोगों को भी नहीं मिला, तो 22 तारीख की वो बात थी। अब हम लोग भैया मोबाइल ओके नहीं जाना है, मैं अपने नेता विरोधी दल से निवेदन करेंगे हम लोगों की अलग से व्यवस्था करा देखिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत हिम्मत कर रहे हैं, हम जानते हैं घूम जाइए वो इंडिया गठबंधन से मिल करके ही चुनाव लड़ा। मोबाइल